बहुत अच्छे अशआर से आपने नवाजा। आज मैं फिर आपकी तवज्जो चाहता हूँ मुशायरे के आज के हमारे एजाजी के बारे में, खुसूसी ऐसे रफ्तार के इंतहाई नुमाया शायर दुनिया उर्दू में असल हाजिरी बहुत चंद जो माया नाज लिखने वाले हैं उनमें आपका शुमार होता है। बहुत अच्छे नसर निगार, बहुत अच्छे शायर और कई मजमू है कलाम के खालिद और हाल ही में उनकी कुलियात मंजिल आप पढ़ी है और नजरात इंतहा मोतबर शायर मुस्तनद शायर मारूफ शायर मोहतरम जनाब रफीउद्दीन राज साहब से मैं सभी सौ अपने कलाम से नवाजे भरपूर दो शेर पहले अब आपको सुना हुआ नहीं है। बुझाता हूँ नमक के जायके से प्यास जख्मों की, बुझाता हूँ नमक के जायके से प्यास जख्मों की, इलाज दर्द दिल मैं ढूंढता हूँ नोके निश्चर में। बुझाता हूँ नमक के जायके से प्यास जख्मों की, मैं इलाज दर्द दिल मैं ढूंढता हूँ नोके निश्चर में। मुखातिब हूँ मोहब्बत की जबां में अहद हाजिर से, मैं फिर कागज़ की कश्ती लेके उतरा हूँ समंदर में। मैं फिर कागज़ की कश्ती लेके उतरा हूँ समंदर में। दोस्तों देखिए किसी और कि रिश्ता भी कायम है आंसुओं से आंखों का, लोग अब भी करते हैं गुफ्तगू मोहब्बत की। रिश्ता भी कायम है आंसुओं से आंखों का, लोग अब भी करते हैं गुफ्तगू मोहब्बत की। राज कैसे मुमकिन है दोस्त सारे दुश्मन हों, तेरी आंख ने शायद देखने में हिजरत की। तेरी आंख ने शायद देखने में हिजरत की। वक्त का ये तबसरा है आज के हालात पर, वक्त का ये तबसरा है आज के हालात पर, अपनी बेयत कर रहे हैं लोग अपने हाथ पर। अपनी बेयत कर रहे हैं लोग अपने हाथ पर। दहर में अब तक हूँ पै हम, अपनी बेयत कर रहे हैं लोग अपने हाथ पर। रहगुजर की रोशनी फैली हुई है जात पर, रहगुजर की रोशनी फैली हुई है जात पर, धूप चेहरे पर जमी है गर्द मलबूसात पर। धूप चेहरे पर जमी है रहगुजर की रोशनी, रहगुजर की रोशनी फैली हुई है जात पर, धूप चेहरे पर जमी है गर्द मलबूसात पर। और दहर में अब तक हूँ पैहम सरकशी के बावजूद, दहर में अब तक हूँ पैहम सरकशी के बावजूद, जबकि जन्नत छिन गई थी एक जरा सी बात पर। दहर में अब तक हूँ पैहम सरकशी के बावजूद, जबकि जन्नत छिन गई थी एक जरा सी बात पर, जबकि जन्नत छिन गई थी एक जरा सी बात पर। और आरजी ठहरा हमारे कद्दे बाला का गुरूर, आरजी ठहरा हमारे कद्दे बाला का गुरूर, दोपहर होते ही साया आ गया औकात पर। बिलाखिर कद्दे बाला का गुरूर, दोपहर होते ही साया आ गया औकात पर, दोपहर होते ही साया आ गया औकात पर।
दोपहर होते ही साया आ गया औकात पर, ऐन मुमकिन है गवाही दूं मैं खुद अपने खिलाफ, ऐन मुमकिन है गवाही दूं मैं खुद अपने खिलाफ, एतबार इतना तो रखता हूँ मैं अपनी जात पर, एतबार इतना तो रखता हूँ मैं अपनी जात पर। और उसके होने की गवाही देते देते ये हुआ, आप फिर देखिएगा कि उसके होने की गवाही देते देते ये हुआ, शख्स साहब होने लगा है राज अपनी जात पर, शख्स साहब होने लगा है राज अपनी जात पर। दुनिया के जो अभी पाकिस्तानी के नहीं, सारी दुनिया के जो हालात है, हालांकि पुराना कहता है लेकिन आज भी वो आज के हालात पर भी साबित करता है, कुछ लोग तो नहीं सुने हैं, सुन लीजिए। एक कहता है कि मरकज की तरफ सबको पलट जाना है एक दिन, फितरत का ये कानून अजल ही से रवा है, हर चीज मरकज की तरफ सबको पलट जाना है एक दिन, फितरत का ये कानून अजल ही से रवा है। था आदमी आगाज मसाफत में दरिंदा, सो आज ये मरकज की तरफ लौट रहा है। था आदमी आगाज मसाफत में दरिंदा, सो आज ये मरकज की तरफ लौट रहा है। दो तीन शरोर देखिए, टाइम कि ठोकर का इस्तेमाल बहुत कम है राह में, ठोकर का इस्तेमाल बहुत कम है राह में, रखा है मैंने जात का पत्थर निगाह में, रखा है मैंने जात, ठोकर का इस्तेमाल बहुत कम है राह में, रखा है मैंने जात का पत्थर निगाह में। शेर देखिएगा कि मुझको झुलसती धूप से देता वो क्या निजात, मुझको झुलसती धूप से देता वो क्या निजात, साया तो खुद था मेरे बदन की पनाह में, मुझको झुलसती धूप से देता वो क्या निजात, साया तो खुद था मेरे बदन की पनाह में, साया तो खुद था मेरे बदन की पनाह में। ऐसा टाइम ज्यादा हो गया, मेरे बच्चों क्या तुम्हें भी गम छुपाना, फिर उसके सुन लीजिए। क्या कतरे शबनम को पलकों से उठाना आ गया, कतरे शबनम को पलकों से उठाना आ गया, मैं के जिसका मुंतजिर था वो जमाना आ गया, कतरे शबनम को पलकों से उठाना आ गया, मैं के जिसका मुंतजिर था वो जमाना आ गया। शेर देखिएगा कि हू बहु मेरी हंसी है सर बसर लहजा मेरा, हू बहु मेरी हंसी है सर बसर लहजा मेरा, मेरे बच्चों क्या तुम्हें भी गम छुपाना आ गया। हू बहु मेरी हंसी है सर बसर लहजा मेरा, मेरे बच्चों क्या तुम्हें भी गम छुपाना आ गया। हाँ ये मेरा नक्शे पाए शौक है जिसके तुफैल, हाँ ये मेरा नक्शे पाए शौक है जिसके तुफैल, आंधियों को रेत पर चेहरा बनाना आ गया, आंधियों को रेत पर चेहरा बनाना आ गया। हाँ ये मेरा नक्शे पाए शौक है जिसके तुफैल, आंधियों को रेत पर चेहरा बनाना आ गया। और कुंजे तन्हाई में हमने क्या गुजारी एक रात, कुंजे तन्हाई में हमने क्या गुजारी एक रात, दर्द की लौ से चिरागों को जलाना आ गया, दर्द की लौ से चिरागों को जलाना आ गया। कुंजे तन्हाई में हमने क्या गुजारी एक रात, दर्द की लौ से चिरागों को जलाना आ गया। एक शेर देखिएगा, आखिरी शेर भी गलत लंबी के, दर्द जुज़्वे कतरे खून बन गया है या मुझे, दर्द जुज़्वे कतरे खून बन गया है या मुझे,
रंग और खुशबू का मेला बनाना आ गया। ये साहब अब भी मेरी आंख में है खैमा रंग, कोई तो कामत व कदमे मेरे बराबर हो। ये ख्वाब अब भी मेरी आंख में है खैमा रंग, कोई तो कामत व कदमे मेरे बराबर हो। सरे निगाह यहाँ जो भी मिल रहा है मुझे, वो या तो मुझसे बड़ा है या मुझसे छोटा है। सरे निगाह यहाँ जो भी मिल रहा है मुझे, वो या तो मुझसे बड़ा है या मुझसे छोटा है। मैं अपने ख्वाब की ताबीर के तजस्सुस में अज़ियतों के सफ़र में हूँ एक मुद्दत से। रवा है रोज़ अज़ल से ये तशनगी का सफ़र, हनोज सन की बारिश है दिल के शीशे पर। हर एक बस हर एक अंजुमन को देख लिया, वली को शेख को अहले सुखन को देख लिया, तमाम दश्त को सारे चमन को देख लिया, गुजरते आज को दौरे कोहन को देख लिया। जिधर भी देखा यही सिलसिला नजर आया, मेरी निगाह को लुत्फ़े सफ़र नहीं आया। खुला ये राज के इस कारदार हस्ती में कहीं भी ऐसे मनाजिर न है न होंगे कभी। हर एक चीज़ की बुनियाद कमतरों बाला, जहाँ पे चांद वहीं पर है चांद का हाला। जमी का जिक्र कुजा दूसरे जहान में भी, रवा रहेगा यही फ़र्क आसमान में भी। ये फ़र्क कमतरों बाला, ये फ़र्क कमतरों बरतर रहेगा यूं ही सदा। ये फ़र्क कमतरों बरतर रहेगा यूं ही सदा, बशक्ले बज़्म मशीयत बफैज़ हुक्म खुदा। रहेगी ताबा अबद तशनगी की ये बरसात, बहिश्त में भी नजर आएंगे हमें तबकात। महफिल मोहतरम रफीउद्दीन राज साहब अपने उम्दा कलाम से नवाज रहे थे, बहुत शुक्रिया रफीउद्दीन राज साहब। तकरीर की आखिरी शख्सियत आखिरी शायर मामून अहमद, मामून अहमद साहब शुमाली इलाका में रहने वाले तमाम अदबी हल्के बाज़ लोग उनकी नाम शख्सियत रफ़त से वाकिफ हैं। हाल ही में मामून साहब की बतजदी आठ मुख्तलिफ मजमू हाय कलाम नसरी और तहकीकी काम, उसमें रुबाइयात गज़ल नात और कुछ मजमू शुरा कलाम के लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मामून साहब बेसिक तौर पर उनकी जो पहचान है बुनियादी तौर पर वो है रुबाई को शायद की हैसियत से, और रुबाई के हवाले से बहुत काम भी आपने किया। मैंने एक दफ़ा मामून साहब से पूछा, मामून साहब ने मुझसे पूछा रही इसी बताओ रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। मामून साहब ने पूछा रही इसी बताओ रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। मैंने कहा मामून साहब ये तो कोई बेवकूफ़ आदमी बता लेगा, कह लेंगे इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। खवातीन साहब बहुत इल्मी शख्सियत, बहुत सीनियर शायर ब्रॉडकास्टर जनाब मामून अहमद साहब तशरीफ़ फरमाए हैं। आज की इस तकनीक में हमारे सदर मोहतरम भरपूर तालियों का सवाल कीजिए जनाब मामून अहमद साहब। वो जितनी ताली आपने टोली जारत की आगे बजाई इतनी मामू साहब की आगे बजाई भरपूर सारे सीनियर साहब से हमारे खवातीन हज़रात, तकी कमाल और उनकी दुल्हन माह रफ़त को मैं अपनी जानिब से और अपनी दुल्हन की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अक्टूबर 1963 का शेर है। मैं टीचर्स कॉलेज कोलंबिया में पढ़ता था। एक शेर सुनाऊंगा उस वक्त का, ताकि उस वक्त का माहौल
आपके विज्ञान में आ जाए। किससे कहें जो दिल पे गुजरती है रोज शब, किससे कहें दिल पे गुजरती है रोज शब, जिस किससे कहें जो दिल पे गुजरती है रोज शब, है अजनबी ये देश नहीं कोई हम जबां। मेरी जिंदगी ने ख्वाब देखा था कि यहाँ पर मैं अपने चेहरे भी देखूं और अपनी जबान की बरतरी भी देखूं। रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी की, मेरी दुआ पूरी की। अब मैं एक पत्ता हूँ, नज़्म का उन्वान है एक पत्ता, आपकी ख़ास तवज्जो चाहता हूँ। अलामती नज़्म है, गैर मुकफ़ा, उसका मतलब रईस वारसी बताएंगे। कहाँ गए भाई भी इस वक्त? गैर मुकफ़ा का मतलब होते हैं जिसमें जो कुछ कह रहा हूँ अल्लाह हाजिर लड़ जाए कह रहा हूँ, गैर मुकफ़ा का मतलब है इसमें काफ़ी अलग हूँ। और भी मराहे लाएंगे मैं, अब आपकी खास तवज्जो चाहता हूँ। एक पत्ता, तलब की राह गुजरने एक शजर पर, रहा करता था कोई सब्ज पत्ता, उसे मालूम था आगाज अपना, मगर अंजाम से वो बेखबर था। वो पत्ता जिसके सांसों में खुशी थी, जिसे मरहूब था हंसना हंसाना, थिरकना मुस्कुराना गुनगुनाना, वो पत्ता जिसकी आंखों में हंसी थी, लताफत जिसके चेहरे पर सजी थी, खुशी जिसके जहां में बस रही थी, खजां से जो छुपा लेता था खुद को, बहारों से किया करता था चोलें, लचकती शाख से करता था बातें, जिसे बेसाख्ता वो चूमता था, उसी के साथ हरदम झूमता था। मगर एक दिन गुरेज देखिए, मगर एक दिन सबा का लम्स पाकर, मगर एक दिन सबा का लम्स पाकर, किसी अनजान से जज्बे की खातिर, वो दीवाना सा दीवाना हुआ था, जुनून से कट के फरजाना हुआ था। उसी फरजानगी की बात सुनकर, छुड़ाया हाथ उसने उस शजर से, सबा के साथ उड़ने की तमन्ना, उड़ाती थी उसे पहले फिजा में, मगर वो सब्ज पत्ता अब जमीन पर लिबासे जर्द पहने सो रहा है, खामोशी से खुदी वो खो रहा है। सो ये भी है गुजरता वक्त उसको, दिखाता है उसे अंजाम का रुख, नेहा आवाज है जिसके चलन में, चलन उम्मीद का है नाम दूजा, वही उम्मीद उससे ये कहेगी, किसी दिन कोई आवारा सा झोंका उसे आवाज देकर ये कहेगा, तेरी ये नींद एक साथ है खाबी, किसी कोपल की सरगोशी में ढलकर, किसी कोपल की सरगोशी में ढलकर, तुझे फिर लौट जाना है शजर पर, खुशी का गीत गाना है दोबारा। आपकी कहानी, मेरी कहानी, हम सब की कहानी, हम सब एक तनावर दरख्त की एक सरसब्ज शाख से टूटे पत्ते हैं जिस